अजीमाबाद की बनी हुई है, पटना। ये दोनों टाइम पीस है जिसमें रोज डेट तो दिखाता ही है, राशि दिखाता है। तो राशि हुआ देश राशि, उसके बाद एक दिन में सभी राशियां जो आती हैं उनका भोग दिखाता है, सारा कुछ दिखाता है। ये दोनों घड़ियां अजीमाबाद की बनी हुई है। सोचिए कैसी घड़ी अजीमाबाद में बनती थी, पटना में नजदीक से जाके देखिए। सर वो जो कारी देख रहा है, वो कारी से नारियल का नसदानी है सर, यही बनता था। नारियल, छोटा नारियल का नसदानी है सर। और ये अलग अलग सेमी प्रेशियस स्टोन्स को सेट किया गया है, इसमें कुछ भी इंस्क्रिप्शन है कुछ भी नहीं भी है। आइए सर, ये कुछ पुराने गहने हैं। और दरभंगा के दो संग्रहालय के बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, तो आज मैंने सोचा कि इसको खुद जाकर देखें और फिर संग्रहालय को और दर्शनीय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस मकसद से हम यहाँ आए। इसमें इतने प्रदर्श हैं कि उनको ठीक ढंग से प्रदर्शित करने के लिए और बेहतर भवन की आवश्यकता होगी, तो इसी को हम आज देखने आए थे। और जो प्रदर्श हैं, एग्जिबिट्स हैं, उसको इस ढंग से दिखलाया जाना चाहिए कि जो कोई भी उसको देखने आए तो उस पर उसका असर और ज़्यादा गहरा पड़े और जो भी चीज़ रखी हुई हो उसके बारे में पूरी जानकारी भी रहनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो और इतिहास के प्रति उनकी उत्सुकता बनी रहे। तालाबों को जोड़ने की बात कही, तालाब के बारे में बहुत पहले से ही हम आकर देख चुके हैं, इसके जीर्णोद्धार का, इसमें घाट बनाने का, इसमें बोटिंग के लिए और इसके चारों तरफ पाथवे बनाने का, ये सारी बात पहले से ही कह चुके हैं। और इसमें कहीं से भी कोई गंदा पानी नहीं जाए, एकदम बिल्कुल स्वच्छ रहे, इसको बिल्कुल ये इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही कुछ साल पहले ही इसके बारे में निर्णय लिया था, तो नगर विकास विभाग इसको देख रहा है।